यार आई एम इन लव विद दिस सीन, वेरी ब्यूटीफुल सनसेट. ये वे टूवर्ड्स पायमिडोज है. दिस इज अवर कैंप. अंदर से ये सीन है. हाउ आर यू फीलिंग उमर वलीद? टू मच कोल्ड सर. आप डर जाते हो ऐसे? डर नहीं, नहीं नहीं डर नहीं रहा वो मैं यार. अभी हमने नमाज जुमा अदा की है और अब हम वापस जा रहे हैं किवाई की तरफ, और वहाँ से हम जीप हायर करेंगे और हम सिरीपाई की तरफ जाएंगे. तो आपको मस्जिद का व्यू दिखाता हूँ. ये मस्जिद थी ये ऊपर, और ये यहाँ पे स्कूल है, और ये खूबसूरत मंज़र शोकरान का किवाई. तो ये थोड़ा सा ऊंचाई पे थी और हम अब नीचे जा रहे हैं किवाई वाटरफॉल की तरफ, और वहाँ से हम फिर जीप हायर करेंगे और सिरीपाई की तरफ जाएंगे. दिस इज़ आवर जीप, एंड इस जीप पे हम ऊपर जाएंगे सिरीपाई. उमर वलीद कहाँ जा रहे हैं? अभी हम शुगरान की तरफ जा रहे हैं, और रोड काफ़ी अनइवन है, लेकिन यह है कि सीन्स काफ़ी मज़ेदार हैं. और उसके बाद हमने सिरीपाई की तरफ मूव करना है. फाइनल डेस्टिनेशन हमारी पाई होगी, जहाँ पे हमने कैंपिंग भी करनी है और नाइट स्टे भी हमारा. सो लेट्स सी हाउ इट गोज. हम शुगरान पहुंच गए हैं और हम कुछ फ्रूट्स ले रहे हैं टू बूस्ट अप आवर एनर्जी लेवल, और उसके बाद हम जो है आगे सिरीपाई जाएंगे. दिस इज शुगरान वैली, शुगरान, और ये सिरीपाई के रास्ते में आता है. सिरीपाई जाएं तो रास्ते में सबसे पहले शुगरान आता है, उसके बाद फिर सिरीपाई. और बहुत प्यारा मौसम है, और यहाँ से ये पहाड़ों का सीन नज़र आता है. वो पीछे देखें बर्फ़ से ढकी चोटियाँ पहाड़ों की, बहुत पुरसकून यहाँ का, यहाँ की आबो हवा है. सर आप डर जाते हो ऐसे? डर नहीं, नहीं नहीं डर नहीं रहा वो मैं यार. क्या हो गया? नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स सिरीपाई. अभी हम यहाँ पे सिरी पॉइंट है, वहाँ पे हम रुके हैं, और यहाँ के आपको सीन दिखाते हैं. यहाँ से बहुत प्यारा व्यू जो है पहाड़ों का, तो बर्फ पोश पहाड़ी का नज़र आता है, और ये हमारी जीप है. ये एक छोटी सी यहाँ पे झील है, पानी बिल्कुल ख़त्म हुआ हुआ है बारिश ना होने की वजह से, तो इसकी वजह से इसको सिरी कहते हैं. सिरी का मतलब ऐसी जगह जहाँ पे पानी है, और पाई का मतलब मैदान. तो ऊपर मैदान है, मीडो है, इस वजह से इसे पाई कहते हैं और इसको सिरी कहते हैं. ये यहाँ पे इस लेक की वजह से इसको हम सिरी कहते हैं. तो बहुत मज़े के सीन्स हैं, और टेम्परेचर तकरीबन यहाँ पे होगा 10 या 12 डिग्री सेंटीग्रेड, हमें सर्दी फील हो रही है. और ये तस्वीरें बनाते हुए, और ये छोटी बच्ची यहाँ की जो है लोकल, और सूरज कभी निकलता है कभी छुप जाता है. तो बहुत अमेजिंग सीन्स हैं, मज़े के सीन्स हैं. वी आर एंजॉयिंग अ लॉट. फाइनली वी हैव रीच्ड सिरीपाई, और अब यहाँ पे हम एक रूम लेंगे. रूम मीन्स कि यहाँ पे रूम्स तो नहीं होते, टेंट्स अवेलेबल होते हैं. तो अब यहाँ पे हम एक टेंट लेंगे, और रात को हम यहीं पे स्टे करेंगे,
और इंशाल्लाह नेक्स्ट मॉर्निंग वी विल हाइक टूवर्ड्स मकड़ा टॉप, मकड़ा पीक। और ये हाइक जो मैंने देखा है 3 से 4 घंटे की है। सो लेट्स होप कि हम उस हाइक को कर सकें। सो नाउ वी विल एंजॉय सम ब्यूटीफुल सीन्स ऑफ पाइमीटोस। अच्छा, हमने यहाँ पे टेंट एक रेंट पे ले लिया है और मैं आपको दिखाता हूँ टेंट कैसा है और फिर आपको उसका रेट भी दिखाऊंगा। कैसा करता हूँ, एक अलहदा वीडियो बना दूंगा जिसमें इस ट्रिप के बारे में कि कितना ख़र्चा हुआ, क्या हुआ, सारा आपको डिटेल में बता दूंगा। तभी आपको मैं टेंट दिखाता हूँ कि उस अंदर से कैसा है। दिस इज़ अवर कैंप। अंदर से ये सीन है और इसके गद्दे भी अच्छे हैं, बिस्तरे भी अच्छे हैं और इसके तकिए भी अच्छे हैं। और ठंड बहुत ज़्यादा है और ये अच्छा है क्योंकि ये हर तरफ से बंद है, क्लोज्ड है। और डील का जो है ना, आपको चले बता देता हूँ यार, ये 2500 में हमें रूम मिला है और हमें 1500 और 1200 भी मिल रहे थे, लेकिन वो ऐसे थे जो सिंपल कैंप होता है उसमें सर्दी लगने का ख़तरा होता है या ठंड बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से हमने ये प्रेफर किया है। यार अभी अभी नमाज़ पढ़ी है असर की, इतनी ठंड है, तकरीबन 6 या 7 डिग्री टेम्परेचर इधर होगा, डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, और बहुत मुजाहिदा है इधर नमाज पढ़ना। और मैंने अंदर जो है ना टी शर्ट्स लाया था, मैंने कहा इतनी भी सर्दी नहीं होगी, लेकिन यहाँ की सर्दी ओए हो हो हो। 3 नीचे टी शर्ट्स पहनी हुई है, ऊपर एक ये वाली फुल स्लीव शर्ट पहनी है। और अभी हम ये भाइयों का किचन है जिनसे हमने वो टेंट लिया है, कैंप लिया है, और इनके बैठे हैं और ये आग सेक रहे हैं। और ये आग भी जो है ना एक नेमत है। ब्यूटीफुल सनसेट व्यू ऑफ पाइमीटोस। ये पाइमीटोस में जहाँ पे शॉप्स हैं और टेंट्स लगे हुए हैं वो एरिया है, और थोड़ा सा आगे जाएं तो पाइमीटोस है और यहाँ से बहुत अच्छा व्यू नज़र आता है। अभी सनसेट हो रहा है तो बहुत प्यारा व्यू है। यार आई एम इन लव विद दिस सीन, वेरी ब्यूटीफुल सनसेट। ये वे टूवर्ड्स पाइमीटोस है, देखते हैं थोड़ा सा आगे जाते हैं। अभी शाम के 6:30 बजे मगरिब होने वाली है और थोड़ा सा आगे जाते हैं, सीन्स देखते हैं। लेकिन ये जो सीन है ना यार, अमेजिंग सनसेट व्यू। यार ये मकड़ा पीक है जो आपके सामने नज़र आ रही है, ठीक है। और इसे मकड़ा इसलिए कहते हैं क्योंकि इस पे जो बर्फ़ आपको नज़र आ रही है वो ऐसे लग रही है जैसे मकड़े के टांगे होती हैं, बिल्कुल मकड़े की तरह। और यहाँ हम कोशिश करेंगे कल जाने की, आप डोंट नो कि हम वहाँ पहुँच सकेंगे या नहीं, लेकिन वी विल ट्राई करने में क्या हर्ज है। और ये रास्ता जाता है पाइमीटोस की तरफ, ये उमर वलीद और अदरान। आई एम कैप्चरिंग दिस इन द आईज ऑफ माई कैमरा। हाउ आर यू फीलिंग उमर वलीद? टू मच कोल्ड। ब्यूटीफुल पाइमीटोस। आई हैव टू शो माई व्यूअर्स हाउ ब्यूटीफुल दिस पाइमीटो इज। सो इट्स वेरी ब्यूटीफुल एंड यू कैन सी द सन बिहाइंड मी एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल सीन्स हेयर एंड पीपल आर इंजॉइंग देयर एंड दैट वन इज मकड़ा पीक, जिसको हम सुबह सर करने की कोशिश करेंगे। एंड आई होप वी विल डू एंड वी विल कम्प्लीट अवर जर्नी इंशाल्लाह। ब्यूटीफुल सनसेट व्यू ऑफ पाइमीटोस। और ये बहुत प्यारा सीन्स हैं सनसेट के,
और ये नीचे पायमिड हाउस, और ये दोस्त इंजॉय करते हुए, और वो सामने मकड़ा पीक, और हम तीन बस अकेले हैं और इस सनसेट को हम इंजॉय कर रहे हैं। बिल्कुल गुरूब होने वाला है सूरज। दिस इज अवर मील डिनर, कढ़ाई चपातियाँ।